हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। दोस्तों, आप मुझे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे लर्निंग टू ड्राइव के नाम से मेरा फर्स्ट चैनल है, सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाई के नाम से, कार नॉलेज बाई राहुल के नाम से, और फेसबुक पे भी मेरा लर्निंग टू ड्राइव ऑफिशियल के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी लर्निंग टू ड्राइव। तो इन सारी जगह मैं एक्टिव रहता हूँ और छोटी छोटी एक्टिविटीज डालता रहता हूँ। दोस्तों, आज मेरे पास एक पुणे से कॉल आया था कि भैया, जब हम कार टर्न करते हैं तो टर्निंग के टाइम हमें लेफ्ट और राइट का अंदाजा नहीं मिल पाता। उनके पास होंडा सिटी है डीजल, तो उन्होंने कहा कि जब हम टर्न करते हैं तो कभी हमारा लेफ्ट वाला टायर गड्ढे में चला जाता है, कभी लेफ्ट वाला टायर रैंप पे चला जाता है, तो हम कैसे जजमेंट करें? और टर्निंग से कितना पहले हम सिग्नल दें, टर्निंग से कितना पहले हम हॉर्न दें, क्या हमें टर्निंग पे हॉर्न बजाना चाहिए, टर्निंग पे स्टीयरिंग को किस तरीके से पकड़ें, और स्टीयरिंग और गियर और क्लच, इन तीनों को कैसे हम कंट्रोल कर पाए। जब हम गियर लगाते हैं तो क्लच नहीं दबता है, जब हम क्लच दबाते हैं तो हमारा स्टीयरिंग नहीं संभल पाता है, और हम लेफ्ट वाले आरबीएम को देखते हैं तो स्टीयरिंग डिसबैलेंस हो जाता है, जब स्टीयरिंग देखने लगते हैं तो हमारी साइड डिसबैलेंस हो जाती है। तो आज इन सारी चीजों का सलूशन मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही लाजवाब गजब का होने वाला है। देखो, मैं यहाँ पे जिस सोसाइटी में हूँ यहाँ पे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट है, तो मैं आपको कुछ टर्निंग पॉइंट बताऊंगा, टर्न करते हुए शॉर्टकट में थोड़े थोड़े बैक भी करना बताऊंगा, टर्निंग भी बताऊंगा कि प्रॉपरली। तो ये गाड़ी है आपका टोयोटा की फॉर्चुनर डीजल, इसकी लंबाई 16 से 17 फीट है, चौड़ाई इसकी 8 से 10 फीट है। अगर हम बात करते हैं पिलर से पिलर तो लगभग करीब करीब अप्रॉक्स 7 फीट समथिंग है, 2 फीट इसके साइड मिरर है, 2 से 3 फीट। तो अगर हम अभी साइड मिरर बंद कर देते हैं तो देखो, अब गाड़ी की जो चौड़ाई है वो पिलर टू पिलर है, लेकिन अभी हम ओपन कर देते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 फीट एक्स्ट्रा जगह हो गई। अब मैं आपको बात करता हूँ, बताता हूँ कि टर्निंग से कितना पहले सिग्नल। अब देखो, सामने देख रहे हैं आप, लगभग अप्रॉक्स 50 मीटर, तो मैंने लेफ्ट का दे दिया सिग्नल, डाला फर्स्ट गियर, एक्सीलेटर की कोई जरूरत ही नहीं। अगर आप सोसाइटी के अंदर कार चला रहे हैं जहां पे टर्निंग, बिगिनर की बात कर रहा हूं, जो सीखते हैं गाड़ी, जो प्रॉपर चला रहे हैं, तो उनसे तो कोई लेना देना नहीं है। अब ये टर्निंग पॉइंट आ गया। अब मैंने क्या करा, अपने लेफ्ट वाले आरबीएम को चेक करा, अब मेरी गाड़ी देखो कितनी आगे निकल गई ये। अब बात करते हैं तो देखो, लेफ्ट वाले ओआरबीएम को देखो, मेरी जो गाड़ी का लेफ्ट वाला ओआरबीएम है, और कितनी गाड़ी आगे आने के बाद, अब मैंने पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दिया, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दिया। अब ये देखो, मेरी जो गाड़ी है वो पूरा रोड पे, अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, बैक साइड भी अगर आप देखेंगे तो बैक साइड भी आपको पूरा लेफ्ट साइड में पता चल जाएगा कि रोड पे दोनों टायर है। अब मैंने गाड़ी थोड़ी सी सीधी करी और ये स्टीयरिंग सीधा हो गया, मैंने हल्का सा स्पीड बढ़ाई, क्लच दबा के सेकंड गियर कर दिया। अब यहां से मुझे टर्न करना है राइट, तो मैंने राइट का सिग्नल दिया। अभी ये देखेंगे राइट वाला ओ आरबीएम पूरा रोड को क्रॉस कर गया, मैंने 90 डिग्री से स्टीयरिंग पूरा घुमा दिया। ये ब्लाइंड टर्न जो होते टर्निंग, एकदम अंधे मोड होते हैं, ये स्टीयरिंग वापस सीधा कर दिया मैंने ये। अब यहां पे अगर बात करते हैं तो ये देखो, राइट वाला ओ आरबीएम मैंने चेक किया। अब ये अगर बात करते हैं तो ये वॉल जो है, ये वाली वॉल और ये इनका रैंप, मैंने राइट का सिग्नल दिया। ये जो मिरर है लेफ्ट और राइट वाला, ये पूरा क्रॉस कर जाना चाहिए। अब मैंने पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दिया। अब मेरा राइट वाला जो टायर है वो इजीली निकल गया, और पिछला टायर भी उनके रैंप पे नहीं टकराया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सामने डॉगी है, उसको मैंने कर दिया हॉर्न, वो हट गया। और सेफ्टी बहुत जरूरी, कुछ लोग ना डॉगी वगैरह पे चढ़ा देते, नहीं ये बहुत गलत बात है, किसी पे चढ़ाना नहीं है। अब बात करते हैं, यहां मैंने राइट टर्न करा, अब रास्ता आगे भाई ब्लॉक, अब रास्ता आगे ब्लॉक है। अब दोस्त क्या करेंगे, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, अब करना है। सपोज अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने यहाँ डाला बैक गियर, बैक कैमरा ऑन हो गया, लेफ्ट वाले आरबीएम को चेक किया, राइट वाले, तो मुझे ये रास्ता बंद है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा जिस साइड से मैं आया। तो मैंने क्या करा, पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग को पूरा कर दिया ये धीरे से। अब यहां से मैंने हल्का सा सीधा कर दिया, और मैं अपने राइट वाले आरबीएम को चेक कर पा रहा हूँ, क्योंकि पीछे गार्ड रूम है तो स्पेस ज्यादा है नहीं। मैंने अब ये 90 डिग्री से घुमा दिया। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो गाड़ी मेरी पूरी प्रॉपर पीछे जा चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये देखेंगे, ये साइड देख रहे हैं आप, ये टीन सेट लगा हुआ है। अगर जरा सा भी लापरवाही मैंने करी ना दोस्तों, ये देखो कितना स्पेस है, ये जो मिरर है इस मिरर से बस इतना स्पेस है। अगर जरा सा, तो ये चीज जो है ना, ये मेरी साइड पूरी काट देगी, गाड़ी की जो साइड है उसको पूरा रगड़ देगी, शीशा भी आपका डैमेज हो जाएगा। तो ये चीज साइड देखना बहुत जरूरी। मैंने स्टीयरिंग वापस सीधी कर ली, और ये मैंने अब यहाँ से स्पीड मेंटेन करी, कर दिया सेकंड गियर, लेफ्ट का सिग्नल दे दिया, ब्लाइंड टर्न है, एक बार हॉर्न भी दे दिया, ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं वो अलर्ट हो जाए। अब मुझे यहाँ से जाना है राइट, तो मैंने राइट का दिया सिग्नल, राइट वाला
ORVM चेक किया, अब ये देखो पोल पूरा क्रॉस कर दिया, मैंने पूरी घुमा दी क्योंकि गाड़ी की लंबाई ज्यादा है ना, अगर मैं पहले घुमा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बाद में घुमाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया, लेफ्ट वाले ORVM टर्निंग के टाइम राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना कंपलसरी है। अगर आप विगनर हैं और आपने ये गलती करी कि राइट वाला पैर आपका एक्सीलेटर पे है, तो घबराहट में पैनिक कंडीशन में आपसे एक्सीलेटर दब जाता है, और जब एक्सीलेटर दब जाएगा तो आप लगाना चाहोगे ब्रेक और लग जाएगा एक्सीलेटर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि टर्निंग के टाइम आपका राइट वाला 10 मीटर पहले, मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, गाड़ी मेरी सेकंड गियर में, तो गाड़ी मेरी रुक नहीं रही, 10 की स्पीड में आ गई है, रुकी नहीं है, इजिली ये गाड़ी निकल गई। तो आप अगर विगनर हो तो दोस्तों आपको एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना। अब मैंने यहाँ से लेफ्ट का सिग्नल दिया, इस कच्चा रास्ता है, थोड़ा खराब रास्ता है, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे है, मैंने गाड़ी को धीरे से टर्न कर दिया। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पीड मेंटेन करी और हल्का सा एक्सीलेटर देके थर्ड गियर कर दिया। अब गाड़ी मेरी आ चुकी है 30-40 के बीच में, अब मुझे गाड़ी को रोकना है तो मैंने यहाँ पे रोका, राइट का सिग्नल दिया और ये 90 डिग्री से स्टीयरिंग को मैंने राइट घुमा दिया, ठीक है। तो अब फिर आगे मुझे लेफ्ट पे जाना है तो मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया, और ये सब अंधे मोड़ है तो यहाँ पे हॉर्न देना जरूरी है क्योंकि मैं गली से निकल रहा हूँ, ये मेन रोड है तो मेन रोड से कभी भी कोई भी आ सकता है। अब दोस्तों अगर मुझे सपोज मुझे गाड़ी रोकनी है तो मैं पूरा क्लच दबाऊंगा, ब्रेक लूंगा, गाड़ी रुक जाएगी, पर मुझे रोकनी नहीं, मैंने दिया लेफ्ट का सिग्नल यहाँ पे और ये मुझे यहाँ से टर्न करना है, तो ये मैंने टर्निंग पे अपने लेफ्ट वाले ORVM को मैं बहुत ज्यादा रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि सारा जो खतरा है वो लेफ्ट साइड में ही है। लेफ्ट वाली जो आपका लेफ्ट वाला जो एरिया है वो लेफ्ट वाले ORVM को जब आप बार बार देखोगे बार बार, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैंने 90 डिग्री से स्टीयरिंग, अब ये जो रोड है इस रोड की चौड़ाई क्या है 20 फीट, इस रोड की जो चौड़ाई है वो 20 फीट है। अब 20 फीट वाले रोड पे अगर मैं 90 डिग्री से स्टीयरिंग नहीं घुमाऊंगा 1.5 राउंड, तो मेरी कार पीछे वाला हिस्सा टकरा जाएगा या आगे वाला टकरा जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमाना कंपलसरी है। अब मैंने थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करी, क्लच दबा के सेकंड गियर डाला और फिर टर्निंग आया, मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया अपने लेफ्ट वाले ORVM को और यहाँ पे दे दिया हॉर्न। अब मैंने इसको कर दिया लेफ्ट टर्न, अब मैंने लेफ्ट वाले ORVM, अब अगर हम बात करते हैं तो अपने लेफ्ट वाले ORVM को मैं देख पा रहा हूँ, तो मेरे लेफ्ट वाले ORVM में और मेरी गाड़ी की बॉडी में जो पोल है उस पोल के बीच में 1 फीट का मार्जिन है। तो हम दिखा सकते हैं साइड में कि लेफ्ट में जो पोल है, पोल जब गाड़ी मेरी लेफ्ट में भी निकलेगी तो लेफ्ट वाले टायर की क्या पोजीशन है, लेफ्ट वाले टायर की क्या पोजीशन है, अगर हम इस तरीके से इसको निकालेंगे तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे नए लोग हैं उनको आइडिया नहीं होता और उनका पिछला जो लेफ्ट वाला टायर होता है वो टकरा जाता है क्योंकि जो पोल का नीचे चैम्बर बना होता है वो थोड़ा सा स्पेसिस होता है, वहां पे गुलाई में होता है, तो वहां पे गाड़ी आपकी टकराएगी, साइड से आपकी कार का टायर फट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था टर्निंग का, अब मुझे फिर लेफ्ट जाना है तो मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया और ये देखो आगे सामने डिजायर आ गई। बस जो न्यू विगनर होते हैं वो यही गलती करते हैं कि अब जब गली से हम निकल रहे थे तो सबसे ज्यादा खतरा किस साइड से होता है, अपोजिट साइड से, हमें जाना अगर लेफ्ट है तो हमारी नजर लेफ्ट में ऑटोमेटिक रहेगी और ये राइट वाला जो एरिया है यहां से हमें खतरा है। तो जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमारी साइड लेफ्ट है, हमें सबसे पहले राइट में देखना है कि राइट साइड से अगर कोई आएगा तो हमारी गाड़ी यूं टर्न होगी, वो यूं टक्कर मारेगा, तो हमें अपना पहले राइट देखना फिर लेफ्ट देखना। जब कभी अंधे मोड़ पे आप निकल रहे हो तो कार को रोक लो, एक बार रोक के लेफ्ट और राइट देख लो, उसके बाद कार को आप टर्न करो। सो दोस्तों अब मुझे जाना है लेफ्ट, मैंने लेफ्ट को ऑलरेडी सिग्नल दे रखा था, डिजायर निकल गई, मैंने धीरे से स्पीड मेंटेन करी और गाड़ी मेरी वापस गियर में आ गई, सेकंड गियर में मैंने कर लिया। अब दोस्तों जैसे सपोज करो मुझे यहाँ कार को पार्किंग में लगाना है, तो पार्किंग के लिए हमें क्या करना है, जो मॉल ऑल की पार्किंग होती नॉर्मली, मैंने गाड़ी सीधी सीधी मेरी खड़ी है, मैंने यहाँ पे इसको न्यूट्रल किया, यहाँ डाला मैंने रिवर्स गियर और खड़ी गाड़ी पे मैंने 90 डिग्री से स्टीयरिंग कर दिया पूरा टर्न। अब मेरी गाड़ी जो है, अब मैंने स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाया तो कार का जो बैक साइड वाला हिस्सा है वो जैसे भी कार ये खड़ी तो धीरे धीरे पीछे वाला हिस्सा ऐसे 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 आ जाएगा, आगे का हिस्सा जो है वो ऐसे हो जाएगा, पीछे का ऐसे। अब मैंने ये 90 डिग्री से घुमाया तो ये गाड़ी का जो हिस्सा यहाँ पे अगर कैमरे में देखेंगे तो धीरे 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 गाड़ी मेरी, बट यहाँ पे जब ऐसे हम टर्न कर रहे हैं तो हमें अपने लेफ्ट और राइट वाले ORVM को जरूर चेक करना है। कई बार क्या होता है कि गाड़ी यू करके यू घूम रही है तो पीछे से जो बाइक वाइक आ रही है ना तो वहां टकराने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब ये एकदम सेंटर पॉइंट में मैं इसको खड़ी कर रहा हूँ, अभी बहुत अच्छा खासा स्पेस है पीछे, अब ये गाड़ी मेरी हो चुकी है सीधी प्रॉपर, अब मैंने पूरा स्टीयरिंग सीधा कर दिया, अभी एकदम स्ट्रेट हो गई, अभी पीछे हल्का फुल्का स्पेस है लेकिन ज्यादा नहीं है, पीछे टकरा सकती है गाड़ी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो रेड वाली लाइन है यहाँ तक हम अपनी गाड़ी को पीछे ले जा सकते हैं,
बस अब इससे ज्यादा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जो पीछे रेलिंग लगी है उसमें ये दिख रहा है कि गाड़ी मेरी टकराने की कंडीशन में, ये पॉइंट जो दिख रहा है ये रेड वाली लाइन, बस अब इससे ज्यादा अगर हम लेके जाएंगे तो गाड़ी हमारी टकरा जाएगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सपोज जैसे मैं जा रहा था अभी लेफ्ट, अब मुझे जाना राइट, मैंने राइट का सिग्नल दिया, गियर न्यूट्रल किया, फर्स्ट गियर करके और पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग को घुमा दिया कम जगह में, क्योंकि जहां मैं बैठा हूं यहां से 9 फीट के अप्रॉक्स तो लगभग बोनट है आगे, 9 फीट लगभग इसका आगे बोनट है, क्योंकि गाड़ी की लंबाई ज्यादा है और 7 से 8 फीट पीछे लंबी है गाड़ी, टोटल इसकी 16 से 17 फीट लंबाई है गाड़ी की। मैंने राइट का सिग्नल दिया और अपने राइट वाले आरपीएम को चेक किया। एक चीज और, अगर आप डीजल गाड़ी चला रहे हो, डीजल गाड़ी का आरपीएम ज्यादा होता है तो वहां पे आपको हाफ क्लच लेके कार को टर्न करना पड़ेगा। अगर आपने क्लच नहीं लिया और ब्रेक लगा दिया तो कार का इंजन बुझ जाएगा। डीजल गाड़ी में हमेशा आपको हाफ क्लच लेके ही कार को टर्न करना पड़ेगा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कभी आप कार को टर्न करें। पेट्रोल गाड़ी में तो आप क्लच नहीं भी लेंगे तो भी कोई इशू नहीं। अब मुझे यहाँ से राइट जाना है तो मैंने राइट का सिग्नल दिया, राइट में 2 पोल है, अब मुझे कब टर्न करना है गाड़ी। अब ये देखो यहाँ पे बात आती है राइट वाला जो पोल है, अब ये जो ORBM है ये राइट निकल गया। अब मैं पूरा 90 डिग्री से इसको मैं घुमा देता हूँ, अगर मैं 90 डिग्री नहीं घुमाऊंगा तो मेरी गाड़ी का जो अगला टायर है वो नीचे रोड पे उतर जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी कार को टर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।